नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अस्पताल में खाली नहीं बेड, भटक रहे मरीज, शराब तस्करी, दो आरोपी गिरफ्तार, बुजुर्ग व्यापारी ने की खुदकुशी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। अस्पतालों में खाली नहीं बेड, भटक रहे मरीज। नागपुर जिले में कोविड के संक्रमितों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या 47,000 के करीब पहुंच चुकी है। 8,500 के करीब मरीज विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। वर्तमान में स्थिति ऐसी हो गई है कि खोजने पर अस्पताल में कोविड मरीज के लिए बेड उपलब्ध नहीं है। बावजूद इसके मनपा की तरफ से अस्पताल में बेड की पोजीशन को लेकर जो लिस्ट जारी की गई है उसके हिसाब से निजी व सरकारी अस्पताल में कुल 494 बेड खाली है। इनमें ऑक्सीजन वाले 299, आईसीयू के 100 और वेंटिलेटर के 95 बेड का समावेश है। शहर के 79 निजी अस्पताल में ऑक्सीजन के मात्र 119, आईसीयू के 26 और वेंटिलेटर के मात्र 11 बेड ही उपलब्ध है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। नियंत्रण कक्ष में जब जरूरतमंद व्यक्ति फोन लगाता है तो उसका फोन नहीं उठाया जा रहा है। नजदीक के अस्पताल में बेड की उपलब्ध नहीं है। लक्ष्मीनगर जोन में 9 बड़े अस्पताल हैं जहां कोविड का इलाज हो रहा है, लेकिन यहां केवल एक अस्पताल में ही एक ऑक्सीजन बेड ही खाली है। गांधीबाग सतरंजीपुरा जोन में तो क्रमश 1 और 2 अस्पताल है, लेकिन वहां कोई बेड खाली नहीं है। लकड़गंज जोन में 2 अस्पताल में 16 ऑक्सीजन के बेड ही खाली है। जितने भी बड़े अस्पताल है वहाँ बेड उपलब्ध नहीं है। धर्मपेट जोन में सर्वाधिक 21 अस्पताल है, लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन के 18, आईसीयू के 16 और वेंटिलेटर के 5 बेड ही खाली है। तो वही दूसरी ओर शराब तस्करी, 2 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर बेलतरोडी पुलिस ने ऑटो और दुपहिया से शराब की तस्करी कर रहे आरोपियों को पकड़ा है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ऑटो सहित 2,70,000 रुपए का माल बरामद किया है। आरोपी गजानन मानकर रहाटे नगर टोली व श्याम नंदन इंदिरा माता नगर है। पुलिस ने शुक्रवार को दोपहिया सवार गजानन तथा ऑटो चालक श्याम नंदरवार को पकड़ा। दोनों से शराब बरामद हुई। बरामद शराब उन्होंने अजय गोलहर की शराब दुकान से लाई थी। उन्हें गिरफ्तार कर शराब निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया है। तो वही तीसरे और बुजुर्ग व्यापारी ने की खुदकुशी। नागपुर वर्धमान नगर में बुजुर्ग व्यापारी ने जहर का सेवन करके जान दे दी। 73 वर्षीय रामेश्वर लाल पन्नालाल हुरकुट ने 24 मार्च की आंबेडकर चौक स्थित जीवनधारा अपार्टमेंट के फ्लैट में जहर का सेवन किया था। उसका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। शुक्रवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। लकड़गंज पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।